हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग का टॉपिक चल रहा था सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्म निरपेक्षता। इसका आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। काफ़ी लेंदी टॉपिक है क्योंकि इसके जो सब टॉपिक हैं वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हैं, तो इसलिए हम लोग कर रहे थे क्षेत्रवाद, रिलिज्म। तो इसमें हम लोगों दो तीन टॉपिक कर चुके थे। आगे जो डिवाइड हैं और टॉपिक्स वो आप देखेंगे जब मैं आगे कराऊंगी, और आप साथ के साथ इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जो व्यूवर्स, जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ लेटेस्ट आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता का पार्ट 6, जो कि जनरल स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 9 है और पॉइंट नंबर 6, 7, 8 ये सब मैं पहले करा चुकी हूँ। तो ये आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएस पेपर 1 के नाम से है। हर एक वीडियो के मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा पेपर 1, 2, 3, 4 का। तो अभी हम पूरी कोशिश में हैं कि पेपर 1 कंप्लीट कराएं, फिर पेपर 4 पे मैं आऊँगी, क्योंकि जो एथिक्स का पेपर है वो हर जगह नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट मिलता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर जो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वो कैसे करना है वो हम ज़रूर देखेंगे। तो फटाफट पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग पेपर 4 करेंगे। तो ये आप जल्द से जल्द, ये जल्दी से देख सकते हैं क्या हमने इसमें पढ़ा था। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इसके घटक और तत्व पढ़े थे, फिर सांप्रदायिकता के बारे में हमने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन की थी, यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा था, इसके कारण देखे थे, इसके दुष्परिणाम देखे थे, सरकार द्वारा किए गए प्रयास देखे थे, फिर सुझाव भी देखे थे, और अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव देखे थे। फिर हम क्षेत्रवाद पे थे, तो क्षेत्रवाद में हमने इसका टॉपिक देखते आशा देख लिया था, क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग हमने देख ली थी। आज यहाँ पर तीन टॉपिक कवर करेंगे, क्षेत्रवाद और अंतरराज्य तनाव, क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष, और क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता। ये तीन हम कवर करेंगे, बाकी जो यहाँ 5 टॉपिक रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो, लेकिन अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे देखेंगे नहीं, पेशेंस नहीं रहेगा आपके अंदर, इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर समझें और अपने आंसर राइटिंग में कैसे कोट कर सकते हैं वो आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये आशय देखा था, अच्छे से समझाया था, फिर हमने देखा था क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग। आज हम देखेंगे क्षेत्रवाद और अंतर राज्य तनाव कैसे होता है। जो देश के जो विभिन्न राज्य हैं यहाँ पर आपसी जो झगड़े हैं उनकी वजह से भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। इन झगड़ों की जो वजह होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है टॉपिक्स में। इन झगड़ों की जो वजह होती है वो भूमि, जल, बिजली, जो आदि संसाधन होते हैं जो एक राज्य और दोनों राज्य की सीमा पर होते हैं उस पर राज्य दावे करते हैं, प्रतिदावे करते हैं। इन संसाधनों के वितरण को लेकर राज्यों की सहमति नहीं होती। कुछ राज्य कहते हैं कि हमें ये हमारी बाउंड्री में है तो ये चीज़ हमें चाहिए, और दूसरा पर्टिकुलर राज्य बोलता है कि ये चीज़ हमें चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ में देखे होंगे कि दो राज्य आपस में, मेन जो होता है वहाँ पर पानी का होता है, बिजली का होता है, भूमि भी होती है, कि बाउंड्रीज लोगों की ये नहीं राज्य ध्यान में रखते कि कौन सी बाउंड्रीज किसकी हैं। और दोनों की जब सहमति नहीं बनती और एक राज्य को लगता है कि जो दूसरा राज्य है उसके प्रति अन्याय कर रहा है, तो इसलिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर संसाधनों पर कब्जे को लेकर कई बार ऐसे तनाव उत्पन्न हो जाते हैं कि कभी कभी हिंसक वातावरण का रूप ले लेते हैं, वो हिंसक हो जाते हैं और उनमें कई लोगों की जान भी कई बार गंवानी पड़ जाती है। और राज्यों को लेकर इतने विवाद उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी का जल विवाद यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसी नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान और पंजाब के बीच हावड़ा यहाँ लिखा है, यहाँ भाखड़ा आएगा, ये गलती से लिख दिया है यहाँ पे, भाखड़ा के पानी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो है वो बेलगाम जिले की सीमा को लेकर विवाद है, तो ये सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। और ऐसे ही पंजाब और हरियाणा के बीच
राज्य की सीमांकन, वही राज्य की सीमा को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद ऐसे हुए हैं जो पूर्व में कई हिंसक तनावों का रूप ले चुके हैं और कई लोगों को इसमें जान भी अपनी गंवानी पड़ी है। यहाँ पर तो अगर हम इस प्रकार के विवादों में देखें तो जो अन्य मसले होते हैं, एक दूसरे के जो विरोधी दल के नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, एक सुर में ही बात करते हैं और जो संबंधित राज्य है उसकी मांग, जो उसकी मांग है राज्य की, उस पे पूर्ण समर्थन का दावा करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर क्षेत्रवाद और अंतर्राज्य तनाव, ये मैंने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इसके अलावा भी जो भी विवाद चल रहे हैं वो आप यहाँ पर अंतर्राज्य डालेंगे, राष्ट्र नहीं डालेंगे। यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टेट, दो स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अलग से हेडिंग डाल के। तो ये आप देखते हैं तो क्षेत्रवाद अंतर्राज्य तनाव के कारण भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष, मतलब कि केंद्र में कौन सी सरकार है एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल की, और राज्य में अगर किसी दूसरे दल की सरकार है तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। एक ही दल की अगर सरकार केंद्र और राज्य दोनों में होती है तब बहुत जो मामला है स्मूथली चलता है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो कई जगह ऐसे डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। मींस कि वो राज्य पर्टिकुलर ये सोचता है कि हमारे क्षेत्र की वजह से ही केंद्र सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं इसमें जो हमारे, अगर हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की नॉर्मल बात करें तो ऐसे बहुत सारे भारतीय इतिहास में हमें अवसर देखने को मिलते हैं जब राज्य और राज्यों ने, एक राज्य भी हो सकता है और बहुत सारे राज्य भी हो सकते हैं, उन्होंने केंद्र के आदेश मानने से इनकार कर दिया है और केंद्र के समक्ष इसमें चुनौतियों का सामना कई बार करने को मिला है आज़ादी के बाद से। कुछ राज्यों ने जैसे केंद्र के आदेश दिए हैं, केंद्र ने कोई सुझाव दिए हैं या निर्देश दिए हैं उसको नकारना शुरू कर दिया और नकारते हुए केंद्रीय जो सत्ता है उसके समक्ष एक बहुत बड़ा संकट उन्होंने पैदा कर दिया था, चुनौती पैदा कर दी थी। यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग कि जब 1968 में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जब केंद्र कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी केरल में 1968 में, तो उस समय केरल में जो सत्तारूढ़ राज्य सरकार थी उन्होंने केंद्रीय जो अध्यादेश था वो यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि ये आदेश कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो उन्होंने केंद्र सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। इसी तरह हम और बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर 1968 में केंद्र सरकार ने हिंसा के मद्देनजर हथियार लेकर जाने पर वहाँ प्रतिबंध लगा दिया था। ये मैं थोड़ा इसमें नहीं दिया हुआ एग्जांपल, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। इसे राज्य सरकार ने माना कि केंद्र सरकार हमारा जो एरिया है उसमें हस्तक्षेप कर रही है और मतलब उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें, इसको ये आदेश नहीं, केंद्र को ये बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जो काम करें उसमें वो अड़ंगा डालें। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तो इसलिए राज्यपाल की नियुक्तियों में, राज्य सरकार की बर्खास्तगी में, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर या अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है, या राज्य के लिए वित्तीय जो आवंटन करता है केंद्र उसमें भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर कोई और दल है राज्य में और केंद्र में कोई और दल है तो वहाँ भेदभाव के आरोप लगाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सेम दल है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर डिफरेंस दल हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, इसके लिए भेदभाव की शिकायत की जाती है। योजना आयोग की भूमिका को लेकर वहाँ शिकायत की जाती है। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाओं के तहत आने वाली जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं वहाँ उसमें ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा एस्पिरेंट्स लिए गए हैं और इस स्टेट से कम लिए गए, ये भेदभाव देखने को सुनने को मिलता है। और ऐसे ही भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में काफ़ी केसेस में केंद्र राज्य को के अंदर का तनाव देखने को मिलता है यहाँ पर। और जो केंद्र राज्य की रिश्ते हैं उसमें संघर्ष की स्थिति जो है वो राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र या NCTC की स्थापना के प्रस्ताव पर भी देखने को मिली है।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ केंद्र और राज्य डिस्प्यूट पाया गया है। तो यहाँ पर क्षेत्रवाद को, जो कि ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी देता है और क्षेत्रवाद से प्रभावित भी होता है ये केंद्र राज्य संघर्ष। तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और इसे अच्छे से एक और वीडियो बना के क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता। ये बहुत ही मतलब मेजर टॉपिक हो जाता है कि संघ से पृथकता की बात जब क्षेत्रवाद में आने लगती है तो ये क्षेत्रवाद की भावना की उग्र और चरम अभिव्यक्ति हो जाती है। मतलब कि एक क्षेत्र पर्टिकुलर वो चाहने लगे जब कि हम अब जो पूरा हमारा संघ बना हुआ है केंद्र के साथ, तो उससे हम अगर अलग हो जाएं तो ये क्षेत्रवाद की भावना की चरम अभिव्यक्ति होगी। संघ से अलग होने की जो भावना होती है वो कई कारणों से हो सकती है, इसमें बहुत सारे कारण हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये एक अलग पॉइंट सब टॉपिक बना के भी आप डाल सकते हैं। इसमें देश की सीमा या देश की सीमाओं से बाहर रहकर इसे बढ़ावा देने वाले कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे कंट्री में कोई लोग रह रहे हैं और वो भड़काना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को, कि अगर वो भड़कते हैं तो वो उस हिस्से को संघ से अलग कर देंगे या हो जाएंगे। ऐसे ही इस जो ये जो लोग होते हैं जो इस भावना के कारण जो बढ़ावा देते हैं क्षेत्रवाद को, वो इसके जो कारण होते हैं वो हो सकता है कि क्षेत्र विशेष के लोग ये समझते हैं कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, या फिर उनके क्षेत्र के संसाधनों की कीमत पर दूसरे क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। मतलब कि हमसे संसाधन ले लिए जा रहे हैं और वो संसाधनों का किसी दूसरे राज्य में प्रयोग कर दिया जा रहा है, या फिर विकास की धारा नहीं होने के कारण, विकास ना होने के कारण बेरोजगारी और अन्य जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं लोगों की, वो जन्म ले रही हैं। ऐसे ही पृथकतावादी आंदोलन चलने की एक वजह धर्म भी हो सकता है, जो कि ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, तो धर्म की वजह से लोग आवाज़ उठाते हैं कि वो संघ से पृथक होना चाहते हैं। किसी देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो यह समझ सकता है कि बहुसंख्यक धर्म की उन्नति हो रही है और उनकी धर्म की अवनति, तो ये मेन रीज़न होता है संघ से अलग होने के लिए क्षेत्रवाद की दिशा में। ऐसे ही यहाँ पर इसका जो चरम बिंदु होगा, जो टॉप पर पॉइंट होगा, उसमें होगा कि उसका धर्म और उससे जुड़ी संस्कृति एक दिन विनिष्ट हो जाएगी। वो लोग ये मानने लगते हैं, सोचने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उनसे जुड़ी जो उसकी पहचान है वो भी उस संकट में आ जाएगी। हमारा जो धर्म है, हमारी जो प्रथाएं हैं, वो सब संकट में आ जाएगी अगर हम अल्पसंख्यक ऐसे ही बने रहे तो। जैसे कि जो पाकिस्तान हमारा अलग हुआ था, उसकी भी चरम अभिव्यक्ति यही थी कि हम अपना एक अलग धर्म के हिसाब से हम अपना एक अलग देश बचाना चाहते हैं। तो पहले हमारा पूरा संघ एक ही में था, भारत पाकिस्तान, तो संघ से पृथकता ये क्षेत्रवाद के कारण ही मेन रीजन, और क्षेत्रवाद में भी विशेषता धर्म को लेकर उत्पन्न हुआ था। और इसी तरह ये जो भावना है इसमें भाषा कि अल्पसंख्यक में भी हो सकता है, ये जरूरी है कि धर्म का ही अल्पसंख्यक समुदाय हो, भाषा के भी अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं जो पृथक राज्य की मांग करने लगते हैं। और ऐसे ही अगर किसी को लगे कि उनकी मातृभाषा पर संकट आ गया है और अगर हमें अपनी मातृभाषा को बचाना है, तो उस संघ से जब तक पृथक नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता। इन जो कारण है, ये जो मैंने कारण बताए, ये जो कारण है इसको जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से भी बहुत तरह से बढ़ावा मिलता है। जैसे कि जो ऐसे पृथकतावादी विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और समर्थन का जो विश्वव्यापी ढांचा एकत्रित करते हैं, खड़ा करते हैं कि आप लोग ऐसे विचार उत्पन्न करिए, अपने संघ जो आपका केंद्र है उसको ऐसे अपने विचार दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, और विचारों के साथ मदद करने के साथ साथ उनको आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है कि आप लोगों को जो करना है वो करिए, आप लोगों को जिस हिसाब से कदम उठाना है उठाइए, हम लोग आपकी मोरल सपोर्ट के साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी हम लोग आपके लिए करेंगे। इसी तरह जैसे इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो पृथकतावादी क्षेत्रवाद की भावना से ग्रस्त हैं। मतलब कि ये जो ऐसे राज्य हैं, कुछ राज्य जो चाहते हैं कि हम लोग संघ से अलग हो जाए, संघ से अलग रह के अपना एक नया
देश बनाए, अपनी एक नई पहचान बनाए और अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, भाषा है, और अपने समुदाय को एक अलग से संजो के रखे, सजा के रखे। ये भावनाएं तो उन लोगों के मन में है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कंट्री है वो टूट जाएगी बिल्कुल, उसकी एकता में बाधा उत्पन्न होगी। तो आपको आज के 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हमने 3 पॉइंट किए थे। यहाँ पे हमने किया क्षेत्रवाद और अंतर्राज्य तनाव, कि 2 राज्यों में जो तनाव होता है उस वो कैसे, किन कारणों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है, और क्षेत्रवाद और संघ से अलग होने की मांग कैसे की जाती है। नेक्स्ट में हम अपने टॉपिक में बात करेंगे क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, क्षेत्रवाद के परिणाम क्या होते हैं, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु उपाय हम देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं और हम लोग व्यवहारिक रूप से एज अ ऑफिसर क्या उपाय इसमें अपना सकते हैं। और एक टॉपिक फिर हमारा रह जाएगा नए राज्यों के गठन की मांग, कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रवाद के लिए, भाषा के लिए, धर्म के लिए अपने अपने नए राज्यों की गठन की मांग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, कि वो टॉपिक मैं दोबारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।